दोस्तों, यम स्क्वेयर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे HTML में टेबल्स के बारे में। इससे पहले जो लोग HTML CSS ऑलरेडी जानते हैं, वो CSS के नए नए इफेक्ट सीखना चाहते हैं, तो वो ट्यूटोरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप नए नए इफेक्ट सीख सकते हैं। इसी तरह जो लोग HTML को कन्नडा में सीखना चाहते हैं, वो ट्यूटोरियल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे जाकर कनाडा में भी HTML सीख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं टेबल्स के अंदर। ये टेबल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है HTML के अंदर, क्योंकि ये टेबल्स मैक्सिमम हम यूज करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, मैक्सिमम जो डेटा होता है वो टेबल्स फॉर्मेट में हम डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। जो डेटाबेस से रिट्रीव करते हैं, इस तरह का डेटा टेबल्स में ही हम डिस्प्ले करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल मतलब आप जानते हैं, ये एक रोस और कॉलम्स का एक कलेक्शन है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये एक एग्जांपल किस तरह से टेबल रहेगा। देखिए यहाँ पे ये टेबल है। टेबल मीन्स ये रोस और कॉलम्स मिलके टेबल बनते हैं हॉरिजेंटली, इस तरह से ये है, इसे हम रो कहेंगे। 1 2 एक रो है, इसी तरह एक रो है, एक रो, टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 रोस है। और ये वर्टिकली जो है इसे हम कॉलम कहेंगे। दिस इज द कॉलम, टोटल 7 कॉलम्स है यहाँ पे। इसका हम बोल सकते हैं 5 रोस एंड 7 कॉलम्स, ये टेबल्स है। इस तरह से टेबल हम अगर HTML में किस तरह बना सकते हैं, चलिए हम उसके बारे में देखेंगे। HTML के अंदर टेबल बनाने के लिए ये टेबल टैग यूज करेंगे। टेबल टैग ये एक पेयर टैग है, इसका स्टार्टिंग टैग भी होगा, इसका क्लोजिंग टैग भी होगा। ये टेबल टैग हम इसके बीच में हम रोस और कॉलम्स को ऐड करेंगे, और रोस ऐड करने के लिए TR टैग यूज करेंगे। TR टैग यूज करके रोस ऐड करेंगे, और इसी तरह TD टैग यूज करके कॉलम ऐड करेंगे। ये भी पेयर टैग है, इसके लिए क्या है, स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों रहेंगे। चलिए एक एग्जांपल देखेंगे, इसका आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, टेबल टैग मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग में, और क्लोजिंग हुआ है स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, इसके बीच में रो TR टैग यूज किया हूँ रो लिखने के लिए। रो पहले टेबल टैग आएगा, उसके अंदर एक रो के लिए एक TR टैग यूज करेंगे। एक रो के अंदर हमें जितने कॉलम्स चाहिए उतने कॉलम्स के हम TD टैग यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए TR स्टार्ट हुआ है, क्लोज हुआ है, इसके बीच के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं TD टैग। हर एक कॉलम मतलब हर एक सेल, जो टेबल के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्सेस रहते हैं उसे हम सेल कहेंगे। हर सेल के लिए एक TD टैग यूज करेंगे। ये TR के अंदर हम जितने यूज करेंगे, जितने TD टैग यूज कर रहे हैं उतने सेल्स एक रो के अंदर आएंगे। चलिए आप ये इसका आउटपुट देखेंगे एग्जीक्यूट करके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, इसके अंदर टाइटल देंगे टेबल्स इन HTML। चलिए अब एक टेबल में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पहले यूज करेंगे हम टेबल टैग। टेबल स्टार्ट कर रहे हैं, टेबल क्लोज कर। अब इसके बीच में हम जो लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे रो, पहले हम एक रो ऐड करेंगे, टेबल रो। TR मतलब टेबल रो यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम जितने कॉलम देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए यूज कर रहे हैं TD टैग। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ नेम, नेम इसे हम जो देंगे वो वहां पे डिस्प्ले होगा। और एक लिख रहे हैं रोल नंबर स्लैश टी, इसके अंदर लिख रहे हैं हम लिखेंगे कोर्स। देखिए ये अब ये सेव करके हम देखेंगे किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। टेबल
table.html सेव करके अभी से हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ये टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है, सिर्फ एक रो है, 1 2 3 ये 3 कॉलम्स हैं। मैं एक और एक रो यहाँ पे बनाएंगे तो आपको और तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। रो नेम देंगे हम राज, रोल नंबर 1 2 3 4, कोर्स देंगे बी, कुछ भी हम दे सकते हैं। सेव करके अब देखिए रिफ्रेश कर रहा हूँ, दो रो बन गए हैं, नेम रो रोल नंबर कोर्स, ये एक रो है, राज 1 2 3 4 बी, ये एक रो है। हमने यहाँ बनाए 2 रोस और 3 कॉलम्स, ये 3 कॉलम्स हैं यहाँ पे। हम चाहते हैं ये इस तरह से और एक बनाना चाह रहे हैं, हम जितने रो ऐड करेंगे उसके लिए उतना रो हम tr टैग यूज करके हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सलमान 98765 बी। देखिए एक और एक न्यू रोड यहाँ पे ऐड हो गया है। इस तरह से हम टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं टेबल यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके बीच के अंदर tr टैग यूज कर रहे हैं हम रो के लिए। एक रो उसके अंदर हमें जितने कॉलम चाहिए, जितने सेल चाहिए उतने td टैग यूज कर रहे हैं। फिर वो tr क्लोज हो रहा है, अगले रो के लिए हम फिर tr टैग स्टार्ट करेंगे, वो क्लोज होगा, उसके बीच में हम जो लिखेंगे वो एक रो के अंदर आएंगे। और एक यहाँ पे लिख रहे हैं और एक tr स्टार्ट कर रहे हैं तो वो दूसरे रो के अंदर आएंगे ऑटोमेटिकली। ये है टेबल, हम किस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। अब चलिए अब इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे हम। एट्रीब्यूट से पहले एक और एक ऑप्शन देखेंगे इसके अंदर। अब ये देखिए इसके अंदर नेम रोल नंबर कोर्स, ये है इसका हेडिंग, टेबल का ये हेडिंग है, उसके नीचे हम जो दे रहे हैं उसका डेटा है। तो नॉर्मली क्या होगा, हेडिंग बोल्ड के अंदर रहेगा, तो उस तरह से हम हेडिंग यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए टैग्स हैं। चलिए अब हम देखते हैं हेडिंग टेबल के अंदर किस तरह डालते हैं, उसके लिए टी हेड टैग है और एक TH टैग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर टी हेडिंग यूज करके TR के बदल हम टी हेड यूज करेंगे और TD के बदल TH यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम इसे मैं एडिट करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए नेम रोल नंबर कोर्स ये हेडिंग है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टी हेड TR के बदल वो रिमूव करके टी हेड यूज कर रहे हैं, दोनों जगह स्लैश टी हेड। इसी तरह TD के जगह हम यूज करेंगे TH, TH मतलब है टेबल हेडिंग। अब इसे सेव करके अगर हम इसे अब रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा बोल्ड हुआ है, क्योंकि इसे थोड़ा जूम करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग थोड़ा बोल्ड हुआ है, बोल्ड मतलब ये हेडिंग है इसलिए वो थोड़ा बोल्ड हुआ है। ये नॉर्मल फंट है, यहाँ पे नॉर्मल फंट। इस तरह से अगर हेडिंग हम बनाना चाह रहे हैं उसके लिए यूज करेंगे ये टी हेड और टी हेच टैग। टी हेड टी रो के लिए यूज कर रहे हैं, टी हेच ये डेटा के लिए, हेडिंग का जो डेटा है उसके लिए यूज कर रहे हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। अब चले हम आगे बढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आज हम ये एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, बॉर्डर, विड्थ, हाइट, अलाइन, बीजी कलर, कॉलम स्पैन, रो स्पैन। बॉर्डर यूज करेंगे हम ये बॉर्डर देने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर इस टेबल के लिए कुछ भी बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे बॉर्डर नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है रो कहाँ पे, कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, पता नहीं चल रहा है। अगर आप ये एग्जांपल देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसे जिस तरह बॉर्डर है इस तरह से बॉर्डर देने के लिए हम यूज करेंगे ये बॉर्डर एट्रीब्यूट। और बॉर्डर एट्रीब्यूट को हम जिस तरह इमेजेस के अंदर भी हमने सीखा था बॉर्डर यूज करें, इसी तरह ये भी बॉर्डर है, पिक्सेल के अंदर ये ऑटोमेटिक लेगा। चलिए हम यूज करके देखते हैं,
इसे ये एट्रीब्यूट है हमेशा स्टैटिक टैग के अंदर देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोटेशन, फॉर एग्जांपल मैं वन दे रहा हूँ, वन मतलब यहाँ पे है वन पिक्सेल। अभी इसे रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक बॉर्डर आ गया है बॉर्डर। अगर और हमें मोटा चाहिए बॉर्डर और थोड़ा, तो हम इसे वन के बदल टू देंगे, टू थ्री हम जितना चाहते हैं उतना हम बॉर्डर दे सकते हैं। देखिए थोड़ा बॉर्डर मोटा हुआ है, ये है बॉर्डर टैग, मतलब टेबल को बॉर्डर देने के लिए हम ये बॉर्डर टैग यूज कर रहे हैं। और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ, विड्थ मतलब टेबल का विड्थ हमें कितना चाहिए, और हाइट, ये हाइट कितना हो, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं जिस तरह सेम इमेजेस के अंदर यूज किए थे उसी तरह से। चलिए अब हम इसे विड्थ देंगे, विड्थ इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ 300, मतलब 300 पिक्सल है। अगर हम इसे परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं, जब आगे हम डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसे परसेंटेज कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इसे हाइट देंगे 100 पिक्सल। चलिए अब इसे रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप देखिए इसका विड्थ चेंज हो गया, हाइट भी चेंज हो गया इसका ऑटोमेटिकली। ये है हाइट और विड्थ के बारे में। और एक एट्रीब्यूट है अलाइन, अलाइन मतलब ये सारे एट्रीब्यूट जिस तरह इमेजेस के अंदर यूज करें उसी तरह से अलाइनमेंट, मतलब टेबल लेफ्ट में हो या सेंटर में हो या राइट में हो उसके लिए यूज कर रहे हैं। एग्जांपल मैं इसे दूंगा सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं टेबल सेंटर के अंदर, सेंटर राइट देंगे तो टेबल राइट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसके अंदर टेबल के अंदर बीजी कलर, बीजी कलर मतलब हम इससे पहले भी जाने हैं बीजी कलर, ये देंगे हम बॉडी टैग के अंदर, मतलब बॉडी का पूरा कलर चेंज करने के। इसी तरह हम टेबल के अंदर भी बीजी कलर यूज कर सकते हैं। देखिए अब देखते हैं बीजी कलर, ये हम यूज कर रहे हैं टेबल का बैकग्राउंड कलर देने के लिए। बीजी कलर फॉर एग्जाम्पल हम देंगे रेड, अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, मतलब बैकग्राउंड कलर देने के लिए बीजी कलर यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहते हैं हर रो को एक अलग 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 कलर देना चाहते हैं, यहाँ पे पूरे बॉडी के लिए हम रेड कलर दिए हैं, इसके अलावा हम बॉडी के लिए नहीं या सिर्फ रो के लिए, पर्टिकुलर रो के लिए कलर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं एक रो को यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल येल्लो, येल्लो कलर दे रहे हैं, देखिए बैकग्राउंड कलर किस तरह से आता है, देखिए किस रो में दिए हैं उस रो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अगर हम हेडिंग के अंदर देना चाह रहे हैं तो इसके अंदर भी हम दे सकते हैं, कौन से रो में हमें कलर चाहिए उस कलर रो के अंदर हम ये बीजी कलर एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखिए इसका कलर ग्रे हो गया, इस तरह से बीजी कलर यूज कर रहे हैं। बीजी कलर हम ऑलरेडी जानते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, सेम बीजी कलर किस तरह से हम टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला, चलिए अब हम जानेंगे अगले एट्रीब्यूट के बारे में, वो है कॉलम स्पैन और रो स्पैन। ये हम यूज करेंगे टेबल के अंदर रोस या कॉलम्स को मर्ज करने के लिए, मर्ज मतलब चलिए एग्जाम्पल देखेंगे हम टेबल के अंदर। देखिए टेबल है, इसके अंदर ये तीनों हमें रोज के सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, ये तीनों को इसे मर्ज करेंगे, तीनों को मिला के एक बना देंगे, इसे मर्ज कहेंगे। देखिए तीन रोज थे ये, वन टू थ्री रोज के तीन सेल्स को हम मिला के एक बना दिए हैं, इसे कहेंगे मर्ज। इस तरह से मर्ज करने के लिए या इस तरह से कॉलम के अंदर इस तरह से हमें इसे मिला के मर्ज करना चाह रहे हैं, मर्ज कर दिए। देखिए दो चार कॉलम थे उसे मिला के हम एक बना दिए, एक हो गया ये। इस तरह किस हम कैसे HTML के अंदर करें टेबल के अंदर, उसके लिए हम यूज करेंगे ये कॉलम स्पैन और रो स्पैन। चलिए अब हम इसे देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए टेबल, आप मैंने यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया है स्टाइल इज इक्वल टू, इसके बारे में आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम CSS के बारे में जानेंगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा उस वक्त हम जानेंगे ये स्टाइल क्या है,
ये क्यों यूज करते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सिर्फ टेबल के बारे में। अब देखिए ये टेबल है, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों सेकेंड रो और थर्ड रो, ये रो में के ये दो सेल्स को हम मर्ज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रो स्पैन। अब उसके लिए हम देखना है ये कौन से, फॉर एग्जाम्पल हम सेकेंड रो के ये बी वाला टैग, ये बी वाला सेकेंड रो यहाँ पे बी टैग, इसके अंदर हमें लिखना है रो स्पैन। रो स्पैन इज इक्वल टू, मतलब कहां से मर्ज कर रहे हैं, स्टार्टिंग कौन सा सेल है उस सेल के अंदर हम लिखेंगे रो स्पैन इज इक्वल टू। अब यहाँ पे वैल्यू देना है कितने सेल हमें मर्ज करना है, दो करना है, तीन करना है, फॉर एग्जाम्पल दो करना है तो मैं यहाँ पे दो ऐड कर रहा हूँ, टू। उसके बाद उसके अगले वाले रो में का जो सेम कौन सा सेल हमें निकालना है वो डिलीट कर देंगे। तो अब इसे सेव करके चलिए हम रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं अब ये दोनों मर्ज होके वन सेल बन गया है। या आप करना चाहते हैं तीनों को करना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू दीजिए थ्री, और ये वैल्यू यहाँ पे ये डेटा अगर डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो तीनों मिला के एक सेल बन जाएगा। देखिए इस तरह ये है रो स्पैन। रोस रोस के सेल्स को हमें मर्ज करना है तो ये रो स्पैन यूज करेंगे। इसी तरह से कॉलम स्पैन। अब चलिए कॉलम, फॉर एग्जांपल हमें ये राज और ये 1 2 3 नेम और रो सेकेंड रो के अंदर के ये दो सेल्स को हमें मर्ज करना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉलम स्पैन। फॉर एग्जांपल ये सेकेंड रो के राज और 1 2 3 4 ये दोनों को मर्ज करना है, तो स्टार्टिंग वाले में कहां से हमें मर्ज करना है उसमें लिखेंगे हम कॉलम स्पैन इज इक्वल टू, इसमें भी सेम वैल्यू देना है हमें कितने सेल मर्ज करना है, दो तीन, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ दो, टू टू दे के वो बाद वाला हम डिलीट कर देना है, सेम डिलीट कर देंगे सिर्फ क्योंकि हमें एक ही वैल्यू चाहिए दोनों के अंदर, डिलीट कर दिए। अब इसे सेव करके अब रन करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दोनों मिला के एक बन गया है। ये है एट्रीब्यूट्स के बारे में, कॉलम स्पैन और रो स्पैन के बारे में। इसी तरह से टेबल के अंदर और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसके हम अगले वीडियोस के अंदर जानेंगे उसके बारे में। और भी हैं किस तरह से हमें ये देखिए सेल्स के अंदर डेटा सेंटर में लाना है हमें, या लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। टेबल को कुछ हमें हेडिंग देना चाहते हैं टेबल के ऊपर, उसके लिए अलग टैग है, वो सब हम अगले वीडियोस के अंदर जानेंगे। आज के लिए बस ये टेबल किस तरह बनाते हैं, टेबल टैग और TR टैग और TD टैग कैसे यूज करते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट्स बॉर्डर देने के लिए, विड्थ और हाइट देने के लिए, टेबल को अलाइन करने के लिए ये कैसे, और बैकग्राउंड कलर देने के लिए, इतने एट्रीब्यूट्स के बारे में हम जाने हैं। इसके साथ मर्ज करने के, रोज को और कॉलम के अंदर सेल्स को मर्ज करने के लिए कैसे करते हैं वो एट्रीब्यूट्स के बारे में जाने हैं। आप भी ये टैग्स यूज करके एक नई टेबल क्रिएट करिए, नया पेज बनाइए, हेडिंग यूज करिए, लिंक ऐड करिए, इसी तरह इमेज ऐड करिए और टेबल बनाइए, टेबल सब ऐड करके एक नया पेज डिजाइन करिए। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। HTML के बारे में आप पूरी तरह जानने के लिए इस प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले तमाम वीडियोस को ज़रूर देखिए। थैंक यू।